दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हालात और निर्णय, इनका संबंध बहुत गहरा होता है। बहुत से हालात निर्णय के कारण होते हैं, वैसे ही बहुत से निर्णय हालात के कारण लिए जाते हैं। और डोर लंबी हो, इसका मतलब ये नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी, उड़ाने का तरीका भी आना चाहिए। उसी तरह दौलत ज्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं, जीने का सलीका भी आना चाहिए। और कुछ भी नया करने में कभी संकोच मत करो, ये मत सोचो कि हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। और किसी को छोटा ना समझे, छोटे से मास्क ने करोड़ों का व्यापार कर दिया और महंगे से महंगे कपड़े शोरूम में लटकते रह गए। और दोस्तों, दुख में भगवान को याद करने का हक सिर्फ उसी के पास है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया हो। और आपकी नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, पर आपके नाजायज कर्मों का फल तो आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। और बुराई हारने में नहीं है, क्योंकि हार से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन बुराई हार मान लेने में है। और दोस्तों, मुस्कान को तभी रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा सके, वरना खिलखिलाकर हंसने में कोई बुराई नहीं है। और जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी कभी ना करें। और अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। और जब तक इस धरती पर मासूम लोग जिंदा है, तब तक चालाक कभी भूखा नहीं मरेगा। और दोस्तों, किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है कि उस कार्य की हर दिन प्रैक्टिस करें, और कभी भी अपने आप पर और अपने जिस्म पर गुरूर ना करें, क्योंकि मरने के बाद आपके अपने भी आपको छूकर हाथ धोएंगे। ये बात बेशक कड़वी है, परंतु सत्य है। और गजब की ताकत है मुस्कुराहट में, सारा दर्द एक बार में छुपा लेती है। और रिश्ते ऐसे निभाए कि आप लोगों को नहीं बल्कि लोग आपको खोने से डरें। और दोस्तों, सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। और घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि ये कभी भी लात मार सकते हैं। और शिकायतों से घर नहीं चलते, फिर चाहे उम्र जो भी हो कमाना पड़ता है। और खुद को समझदार समझकर घमंड करने से बेहतर है बेवकूफ दिखकर समझदारी वाले काम किए जाएं। और दोस्तों, अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर ध्यान लगाते हैं। और दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है आपके लिए और बेहतरीन वीडियोज बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइन इन।